वहां उस शहर में किताब पढ़ना मना था यूनुस अफंदी। 3 महीने से तुम कुतुबखाने से बाहर नहीं निकले। हर जगह कहां मिलता है कराताई मदरसे जैसा कुतुबखाना फैजी अफंदी? फिक्र अकबरी पढ़ रहे हो? कोई भी मसला हो दुनिया का, कमाल का जवाब लिखा है इमाम आजम ने। हैरानकुन नुकात सामने आए हैं। हदीस को परखने के दौरान सिर्फ उसकी रिवायत पर इनसार नहीं किया, मानी की भी छान पटक की है इमाम अबू हनीफा ने। अगर मानी ऐसे हैं जिन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करना मुनासिब नहीं, तो ऐसी हदीस को रद्द करने का फतवा फौरन दिया उन्होंने, ख्वाह वो रिवायत कितने ही मुस्तनद रावी से हो। कौनिया मदरसे के कुतुबखाने ही में जिंदगी बसर करने का इरादा है क्या? क्या कहा काजी अलकजात ने मनसब दोबारा देने की दरख्वास्त पर? 3 माह से जवाब का मुंतजर हूँ फैजिया फंदी। दरअसल मेरी उस मनसब पर तायुनाती तर्मिजी साहब ने की थी। मुश्किल यह है कि इज्जुद्दीन उर्मुई आ गए हैं अब उनकी जगह काजी अलकजा। दरखास्त दे तो चुका हूं मगर जब भी मिलने जाता हूं उनसे वो मसरूफ होते हैं। आप क्यों जहमत करती हैं वासिम सुल्तान? इसमें जहमत कैसी, इंतजार करती है मेरा। जब भी आती हूँ इसके पास हाथों को देखती है। फिर भी इसकी जंजीर खुली नहीं रखनी चाहिए आपको। किसी एक दिन भी आप इसे खाना देना भूल गईं तो यहाँ से भाग जाएगी। अब कहीं नहीं जाएगी ये। 3 माह पहले जब गई थी तो यूनुस अफंदी ढूंढ कर लाए थे, वो आखिरी बार था। उसके बाद एक दिन भी कदम बाहर नहीं निकाला इसने दरगाह से। शेख मेरे मुंतजर होंगे, चलता हूं मैं। आज का दिन तो 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 आज